दोस्तों यहाँ पांचवा है स्वाध्याय में, दुमदुमा गांव के अंतर्गत पांचवा है। यहाँ एक बड़ा सा कोष्टक दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कोष्टक में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। यहाँ कोष्टक में ये शब्द दिए गए हैं, उपासना, दुखी, युक्ति, वर्षा, स्तुति, बारी, व्याकुल, तरकीब, बरसात और नीर। तो ये हमें ये शब्द यहाँ लिखने हैं। पहले प्रार्थना, तो प्रार्थना में यहाँ कौन आएगा? उपासना। दूसरा क्या आएगा? स्तुति यहाँ पे। फिर ये उपाय है, तो उपाय में क्या आएगा? युक्ति। दूसरा क्या आएगा? तरकीब। फिर ये पानी है, तो पानी में क्या आएगा? वारी। और ये नीर, नीर आएगा ना यहाँ। फिर बारिश, तो बारिश का क्या आएगा? बरसात। और क्या आएगा? वर्षा। परेशान, परेशान में दुखी या व्याकुल, ये दुखी है, यहाँ व्याकुल है, ये यहाँ लिखने है। छठी जो सूचना है, आपके गांव, मोहल्ले, आसपास या स्कूल में भी कोई ना कोई समस्या जरूर होगी, पता कीजिए और लिखिए। तो यहाँ हमें पता करना है कौन कौन से प्रश्न उठने चाहिए पता करने के लिए, तो कि यह समस्या क्या है। पहला प्रश्न ये, यह समस्या क्यों है, क्या और क्यों। तीसरा प्रश्न है, यह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, अगर समस्या है तो उसे दूर करनी होगी तो कैसे दूर हो सकती है, ये सोचना है। और चौथा और महत्वपूर्ण है कि उस समस्या को दूर करने में तुम और तुम्हारे साथी क्या योगदान दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न, भाई हमारे मोहल्ले में लाइट बार बार चली जाती है, उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, लाइट बार बार चली जाती है तो क्या होगा, समस्या क्यों है। तो जवाब आएगा, सोसाइटी में लाइट के केबल कमज़ोर हो चुके हैं। तो यह समस्या किस प्रकार दूर हो सकती है, तो यह समस्या केबल बदलवाने पर यह समस्या दूर हो सकती है। तो इस समस्या के दूर करने के लिए मैं और मेरे साथी ने चंदा इकट्ठा किया और नगर सेवक को पत्र भी लिखा। तो इस प्रकार से समस्या हल हो सकती है। इस समस्या के बारे में अपने सरपंच, नगर सेवक क्या को पत्र लिखे। तो कोई गांव में सरपंच होता है, नगर पालिका होती है, तो उसमें प्रमुख होते हैं या मेयर होते हैं, तो उसको पत्र लिखना है।